दोस्तों आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ इंस्टाग्राम के बारे में। काफी बार दोस्तों ऐसा हो जाता है कि आपके पास इंस्टाग्राम अकाउंट एक से ज्यादा हो जाते हैं और आप उसे डिलीट करना चाहते हैं, तो आप उसे किस तरीके से परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं, मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो आप हमारे वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन है आपका तो कमेंट बॉक्स आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चले दोस्तों चलते मोबाइल की स्क्रीन पर और जानते किस तरीके से आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को हमेशा के लिए डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों इंस्टाग्राम अकाउंट को अपने डिलीट करने के लिए आपको अपना इंस्टाग्राम ओपन कर लेना है। इसके बाद दोस्तों ये तो मेरा खुद का ऑफिशियल अकाउंट है टैग ब्रजवासी के नाम से, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। तो मैं अब दूसरा अकाउंट ओपन कर लेता हूँ जिसको मैं आपको डिलीट करके दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं मैंने एक ऐसे ही टेम्परेरी अकाउंट बनाया था, अब मैं उसको आपको यहाँ पर डिलीट करके दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों डिलीट करने के लिए आपको यहाँ पर 3 लाइन दिखाई दे रही है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो आप यहाँ देखेंगे कहीं पर भी आपको डिलीट अकाउंट का ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम सबसे नीचे जाएंगे, नीचे आपको ऑप्शन मिल रहा है सेटिंग, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे आपको इस पर भी कहीं पर भी डिलीट अकाउंट का ऑप्शन दिखाई नहीं देगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है हेल्प, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपको ऑप्शन दिखाई देगा हेल्प सेंटर सपोर्ट रिक्वेस्ट प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी हेल्प। तो हम यहाँ पर जो हेल्प सेंटर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे ये आपको गूगल क्रोम पे ले जाएगा और वहाँ जाके आपको इस तरह का पेज दिखाई देगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, इसमें जो ऑप्शन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है मैनेजिंग योर अकाउंट, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल चुके हैं डिलीट योर अकाउंट, अकाउंट एंड नोटिफिकेशन सेटिंग, एंडिंग अकाउंट, एडिंग अकाउंट और वेरीफाइड बैज। तो दोस्तों डिलीट योर अकाउंट के ऊपर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ फिर से आपसे वो 3 ऑप्शन देगा आपको, टेम्परेरी डिसेबल इंस्टाग्राम अकाउंट, सेकेंड है आपका डिलीट माई इंस्टाग्राम अकाउंट और थर्ड है आपका एक्सेस और रिव्यू माई डाटा ऑन इंस्टाग्राम। तो हमको ये परमानेंटली डिलीट करना है तो ये बीच में जो ऑप्शन मिडिल वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको हाउ डू आई डिलीट माई इंस्टाग्राम अकाउंट, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारा आपको यहाँ पर डाटा लिखा हुआ दिखाई देगा। तो आपको डिलीट करने के लिए क्या करना है, आपको थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करना है और यहाँ देखिए आपको ऑप्शन यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ये डिलीट योर अकाउंट, इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये आपसे बोलेगा क्रोम में या ब्राउज़र कहाँ पर ओपन करना है, तो मैं क्रोम में ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अपना यूज़र नेम और पासवर्ड ये आपसे मांगेगा। तो यहाँ पर वही यूज़र नेम और पासवर्ड आपको डाल देना है, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ पर लॉगिन ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए आपका ये अकाउंट खुल जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए आपसे ये ऑप्शन मांगेगा वाई डू यू वॉन्ट टू डिलीट योर डूफो 2021, यानी कि जो भी आपका यूज़र नेम होगा वो इस अकाउंट को अपडेट क्यों करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ रीज़न देना होगा। तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, तो कोई एक रीज़न आप यहाँ पर देकर वो कर सकते हैं जो भी रीज़न हो आपका। तो मैं यहाँ पर देने वाला हूँ कोई भी रीज़न, चलो दे देता हूँ टू बिज़ी और टू डिस्ट्रैक्टिंग, इसके ऊपर क्लिक कर दिया मैंने। आपका जो भी रीज़न हो आप उस पर क्लिक कर लें। इसके बाद आपको थोड़ा ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है और यहाँ पर ये यह आपसे फिर से आपका री एंटर योर पासवर्ड, पासवर्ड मांगेगा आपको, यहाँ पर फिर से पासवर्ड डाल देना है अपना। और पासवर्ड डालने के बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डिलीट आपके यूज़र नेम, तो डिलीट यूज़र इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये देखिए लिखा हुआ है आर यू श्योर वांट टू डिलीट योर अकाउंट, इसके बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए योर अकाउंट विल बी डिलीटेड ऑन 3 अप्रैल 2021, यानी कि इसको 1 महीने बाद ये अकाउंट आपका परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। अगर आप इफ़ यू चेंज योर माइंड लॉग बैक इन बिफोर देन एंड चूज द कीप योर अकाउंट, यानी कि 3 अप्रैल को ये अकाउंट डिलीट हो जाएगा, आपने रिक्वेस्ट डाल दी है और उससे पहले अगर आप फिर से इसको गेन करना चाहते हैं तो फिर से जाके आप लॉगिन पे क्लिक करके इसे करके वापस ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना अकाउंट डिलीट आसानी से कर सकते हैं।